अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, आप सबको रमज़ान मुबारक। और सुबह सहरी के टाइम उठ के पता चला कि पाकिस्तान में भी लेट नाइट चांद नज़र आ गया। तो सबको रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और यह सिलसिला रमज़ान के बाद भी चलता रहे। तो अभी अभी हमने 4 बजे का अलार्म लगाया था और हम उठे हैं 4:40 पे, और हमारी पहली सहरी ख़त्म होनी है 5:36 पे। तो बस अभी गए हैं जल्दी जल्दी, हमने सहरी वगैरह बनाई है, तो आपको दिखाते हैं क्या बनाया है सहरी में। तो यार हमने सहरी में ब्रेड्स बनाई हैं अंडे के साथ, टोस्ट और दही वगैरह, फिर उसके बाद जूस वगैरह, बस इतना ही कुछ। तो अभी देखते हैं, ये जल्दी जल्दी सहरी करते हैं। बाकी काजी वगैरह वो रोटियां वगैरह बना रहे हैं अभी किचन में, उन्होंने रोटियां वगैरह खानी है सहरी में। तो देखते हैं भाई जल्दी जल्दी खा के, फिर 5:36 पे जब सहरी कर लेंगे तो उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, कुरान पाक की तलावत करेंगे थोड़ी सी। इतने में जाने का टाइम हो जाएगा, मतलब सहरी के बाद सोने का कोई सीन नहीं है, जितना सोना है रात को ही सो लो आप इधर। तो यार सुबह सुबह ये परिंदों की आवाज़ें सुन के मन एकदम ना खुशगवार हो जाता है बंदे का। तो यार जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सहरी के फ़ौरन बाद तिलावत और नमाज पढ़ के हम सो गए थे, थोड़ी देर सोने के बाद 7 बजे का अलार्म बज गया, फिर उसके बाद उठे हैं और 7 बजे हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ। हॉस्पिटल जाएँगे, वहाँ पर आज इंटरनल मेडिसिन की आखिरी क्लास है हमारी, और सेकेंड टाइम आज हमारी ENT के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस टाइम यूनिवर्सिटी में बंदा ना बंदे की ज़ात होती है, जिस टाइम हम उठ के जा रहे हैं, सिर्फ कि हमने बस पे जाना होता है और हमें यहाँ से तकरीबन क्लास से 1.5 घंटा 1 घंटा पहले निकलना होता है इस कैंपस से। तो देखें इस टाइम बंदा ना बंदे की ज़ात है यूनिवर्सिटी में, ये देखें कोई भी नहीं नज़र आएगा आपको इस टाइम, बिल्कुल खाली पड़ी है। और ये जो रेड बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये हमारी डोम है। तो अभी चलते हैं बस की तरफ और देखते हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी में छोटी बसें चलती हैं बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। ये आवाम भागी भागी आ रही है। मैं भी वीडियो बना बनाओ बनाओ। छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, कैंडी क्रश सागा। यार ये 2-3 टनल्स आती हैं, यहाँ पे ट्रैफिक डेली ब्लॉक होती है ऑलमोस्ट। तो पहली क्लास इंटरनल मेडिसिन की थी, इसमें हमने पढ़ा है SBTube, समझ नहीं आया लेकिन सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। तो क्लास के बाद मैंने सोचा सेल्फ स्टडी का भी कर ही रहा था कि इतनी देर में किन्ज़ा आई और कहती आओ परफ्यूम वगैरह लेने चलते हैं, और फिर उसके साथ हम चले गए बाहर। इस मॉल के अंदर मुझे मिल गई थी फंकी टाइप की काफ़ी सारी ग्लासेस, तो मैंने भाई सारी ग्लासेस लगा लगा के चेक की और मुझे इतनी मज़े की लग रही थी ना सारी ग्लासेस, मैं आपको बता नहीं सकता इस टाइम। और जैसे ही मुझे मॉल में कहीं पे भी चावल या दालें वगैरह नज़र आती हैं ना, जब तक उनके अंदर मैं इस तरह हाथ को ना फेरूँ ना, मुझे सुकून नहीं आता। तो भाई अर्जी ऐसी है, जैसी चीज़ें मिले उनके अंदर हाथ फेरना स्टार्ट कर दे बंदा। तो यार पढ़ते पढ़ते हमें किंजा ने आके कहा है कि यहाँ पे ना मिनीसो है स्टोर, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे परफ्यूम हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, हम इंटर हुए हैं एग्जिट से, और जब हमने एग्जिट होना तो हम एग्जिट हो रहे हैं एंट्री वाले गेट से। तो किंजा को उसने कहा है कि चलो एग्जिट वाले गेट से एग्जिट हो जाओ, इसलिए यहाँ से आ रहे हैं। नकाती करवा दी है किंजा ने आज हमारी, यहाँ पे सारी नाइटीज बच्चों के सूट्स, और यहाँ पे बच्चों का सेक्शन है, सॉरी मिनीसोनी सोमे। इधर से हमने परफ्यूम वगैरह देखने थे, वो जा रहे दोनों सामने। तो यार हमारी सेकंड क्लास में हम पहुँच गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एयर नोज एंड थ्रोट, देखते हैं।
तो इस डिपार्टमेंट के अंदर आज हमने कान के अंदर जिस तरह एंडोस्कोपी होती है ना, उस तरह की कोई मशीन थी वो डाल के मतलब कान के वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वगैरह चेक की, और नाक मतलब कोई था कोई ओपनर वो उससे नोज़ का जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो चेक किए, और बाकी सारा सिस्टम वगैरह आज। तो क्लासेस वगैरह एंड होने के बाद हमारा टाइम पास नहीं हो रहा था, हम इस मॉल के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कोई आवारा गर्दियाँ करेंगे हैं, या यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, कसम से बहुत मज़े की लग रही हैं ये वाली सारी। यार इससे घटिया क्वालिटी की चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी, और ये 80 RMB गेट फॉर 3600 की है, 3200 की सॉरी। यार तुम्हें ना इसकी अशद ज़रूरत है, ठीक है ना। हाँ हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें इसकी। हन हाउ द थियंची and all of us.